असलम दी पूफा टुडे आज की पूफा ये है कि यार मेरी आंखों में अभी पानी आया हुआ है पता है मैं करोना का टेस्ट करवा के बाहर निकला हूँ लास्ट टाइम मैंने जब करोना का टेस्ट करवाया था तो उन्होंने वो जो ईयरबड टाइप सी थिंग होती है वो उन्होंने मेरे गले में मारी थी थ्रोट में मारी थी लेकिन आज आज उन्होंने मेरी नासों में मारी है और बहुत तकलीफ होती है तकलीफ नहीं होती पता नहीं अजीब सी सिचुएशन है अजीब सी फीलिंग है बंदा बयान नहीं कर सकता लेकिन जब वो अंदर मारते हैं ना तो आपकी आंखें जो है ना ऐसे ऐसे होती हैं <laughs> और आंखों से पानी निकलता नाक से पानी निकलता है अभी ताज़ा ताज़ा करवा के आया हूँ लेकिन अलहमदिल्ला मैं ठीक हूँ यार असल में प्रॉब्लम थी मेरे स्टमक की ना तो मैंने कल कॉल की हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे कॉल बैक की डॉक्टर ने पूछा क्या प्रॉब्लम है क्योंकि पहली अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ आप फ़ोन पे करते हो अब कोरोना की वजह से आप डायरेक्ट हॉस्पिटल नहीं जाते क्लिनिक नहीं जाते आपको कोई प्रॉब्लम है कोई मसला है आप फ़ोन करोगे डॉक्टर को डॉक्टर आपको कॉल बैक करेगा आपसे पूछेगा क्या है क्या प्रॉब्लम है कहाँ दर्द है क्या मसला है सब कुछ पूछेगा अगर ज़्यादा सीरियस हुआ तो वो फिर आपको बोलेंगे कि हॉस्पिटल में आ जाओ तो तुम्हारी फूफा करते हैं तो कल मैंने फ़ोन किया मैंने बोला मेरे स्टमक में प्रॉब्लम है तीन चार दिन हो गए जालमार हुआ सट या सुबह सुबह यार अच्छा तीन चार दिन से पेट में प्रॉब्लम चल रही थी तो उन्होंने बोला कि तुम किसी कोरोना वायरस वाले बंदे के साथ कांटेक्ट तो नहीं हुआ तुम्हारा मैंने कहा नहीं यार मेरा कहाँ होना तो कहते हैं नहीं तुम्हें टेस्ट करवाना पड़ेगा ज़रूरी सो आज आया था टेस्ट करवाने अभी तक पानी निकल रहा यार सो टेस्ट करवा लिया अभी घर जाएंगे बस ये पुंपन आज की 31 दिसंबर 2020 का आखिरी टेस्ट <थो> हां तो मेरा इस साल का दूसरा टेस्ट लेकिन आखिरी इंशाल्लाह बस ये पुंपन अपना ख्याल रखियो ते अस्पताल ना जाओ ते चंगी गल है यार अपना थोड़ा ज्यादा ज्यादा ख्याल रख लो कोई 10 15 मिनट दिन में एक्स्ट्रा कर लो अपने वास्ते लेकिन ख्याल रख लो यार जिंदगी तक कोई भरोसा नहीं ओके सुनियो अपना ख्याल रखियो ਲਵ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਦ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾ ਪਾਣੀ ਖਾ